निज़ामात फ़ासलाती तालीम मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की जानिब से पेश किए जाने वाले इस अमली प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। आज का मौजू बीएससी साल दुवम तलबा के लिए है, मौजू दहन के मुख्तलिफ अक्साम। अजीज़ तलबा, जैसा आप जानते हैं, हर पौधे के चार अहम हिस्से होते हैं, जड़, तना, पत्ते और फूल, या फूल के साथ साथ फल भी आप जोड़ सकते हैं। जड़, तना, पत्ते, इन तीनों को मिलाकर नबाती आज़ा या वेजिटेटिव पार्ट्स कहते हैं। फूल को तौलीदी आज़ा या रिप्रोडक्टिव आर्गान कहते हैं। फूल सनफी तौलीद में या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अहम रोल अदा करता है। जड़ आम तौर पर ज़ेर ज़मीनी होता है, लेकिन तना, पत्ते और फूल हवाई होते हैं। इन हवाई हिस्सों पर छोटे छोटे सुराख या मसाम पाए जाते हैं और इन मसाम या सुराख के ज़रिए पौधों में पाए जाने वाला ज़ायद पानी बुखारात की शक्ल में खारिज होता है। शायद आप लोग समझ गए होंगे इस फेलियाती अमल को क्या कहते हैं। इस फेलियाती अमल को ट्रांसपिरेशन या सरयान कहते हैं। इन छोटे छोटे मसाम या सुराख के ज़रिए फेलियाती अमल सरयान ही नहीं बल्कि तनफ़ुस, शोए तरकीब यानी गैसों का तबादला, ऑक्सीजन का दाखिल होना, कार्बन डाइऑक्साइड का खारिज होना या शोए तरकीब के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का दाखिल होना और ऑक्सीजन का खारिज होना, ये तमाम इन छोटे छोटे मसाम या सुराख के ज़रिए वाकई होता है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे मैं किन मसाम या सुराख के बारे में बात कर रहा हूँ। इन सुराख या मसाम को दहन कहते हैं। अंग्रेज़ी में इनको स्टोमेटा भी कहा जाता है। दहन आम तौर पर पत्तों के बरादमी खलियों पर कसीर तादाद में पाए जाते हैं। जैसा कि ये एक सादा पत्ता है, इस सादे पत्ते की निचले जानिब एक डंडी नुमा साख्त पाई जाती है। इस डंडी नुमा साख्त को पेटियोल कहा जाता है। पत्ते के दो सतह पाए जाते हैं या सरफेसेस पाए जाते हैं। पत्ते के ऊपरी जानिब पाए जाने वाले सरफेस यानी अपर सरफेस को एडैक्सियल सरफेस कहा गया है और पत्ते के निचले जानिब या लोअर सरफेस पे पाए जाने वाली सतह को अबैक्सियल सरफेस कहते हैं। इस तरह पत्ते में एडैक्सियल और अबैक्सियल सरफेस दोनों पाए जाते हैं। आमतौर पर पत्ते के एडैक्सियल सरफेस के बनिस्बतन अबैक्सियल सरफेस पर कसीर तादाद में दहन पाए जाते हैं। दहन की मौजूदगी के बुनियाद पर पत्तों को मुख्तलिफ किस्मों में तकसीम किया गया है। एम्फीस्टोमेटस लीव्स, एपिस्टोमेटस लीव्स, हाइपोस्टोमेटस लीव्स एंड एस्टोमेटस लीव्स। जब पत्तों के ऊपरी और निचली सतह पर यानी एडैक्सियल और अबैक्सियल सरफेस दोनों सतह पर दहन मौजूद हो तो उस किस्म के पत्तों को एम्फीस्टोमेटस लीव्स कहते हैं। मिसाल के तौर पे पोटैटो लीव्स या आलू के पौधे के पत्ते। दूसरे किस्म के लीव्स जिनको एपिस्टोमेटस लीव्स कहा जाता है, एपिस्टोमेटस लीव्स के लिए बेहतरीन मिसाल वाटर लिली का दिया जाता है। इन पौधों के पत्तों पर दहन सिर्फ ऊपरी सतह पर ही पाए जाते हैं, यानी दहन सिर्फ एडैक्सियल सरफेस पे पाए जाते हैं बल्कि अबैक्सियल सरफेस पर गैर मौजूद होते हैं। जैसा आप जानते हैं, वाटर लिली या आबी पौधा पानी की सतह पर तैरता हुआ नज़र आता है और इसका ऊपरी सतह जो है ऊपर की तरफ माहौल की जानिब होता है और निचले सतह पानी की तरफ होता है, इसलिए निचले सतह पर दहन गैर मौजूद होते हैं। तीसरी किस्म के जो पत्ते होते हैं इनको हाइपोस्टोमेटस लीव्स कहते हैं। इन हाइपोस्टोमेटस लीव्स में दहन सिर्फ निचले जानिब पाए जाते हैं। चौथा किस्म के पत्तों को एस्टोमेटस लीव्स कहा जाता है, यानी जब दहन
یا سٹوماٹا پتوں پر غیر موجود ہوتے ہیں تو اس قسم کو اسٹوماٹس کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ، آپ جانتے ہوں گے کہ دو بیج پتیا پودوں میں دہن دو سیم کے بیج کی شکل یا گردہ نما شکل کے ہوتے ہیں، لیکن ایک بیج پتیا پودوں میں دہن ڈمبل شیپ یا مقدر نما ہوتے ہیں۔ جیسے کہ آپ یہ چارٹ دیکھ رہے ہیں، اس چارٹ میں دو بیج پتیا پودے کا دہن ہے۔ یہ دہن سیم کے بیج کی شکل یا گردہ نما شکل کے ہوتے ہیں۔ اس میں دو سیم کے بیج کی شکل کے دو خلیے ہیں، ان خلیوں کو گارڈ سیلز کہتے ہیں۔ اسی طرح سے جب ایک بیج پتیا پودوں کی بات آئے گی یا مونوکوٹس کی بات آئے گی، مونوکوٹس میں دہن ڈمبل شیپ کے ہوتے ہیں یا مقدر نما ہوتے ہیں۔ زیروفائٹس یا خشک حالات میں رہنے والے پودوں میں دہن عام طور پر ایپیڈرمس سے ہٹ کر پائے جاتے ہیں، یعنی خشک حالات میں رہنے والے پودوں میں دہن اندر کی جانب دھسے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس اندر کی جانب دھسے ہوئے دہن کو ڈیپ سائٹڈ اسٹوماٹا یا سنکن اسٹوماٹا بھی کہا جاتا ہے۔ اس چارٹ میں آپ دیکھیں گے یہ دھسے ہوئے دہن یا سنکن اسٹوماٹا کی ساخت ہے۔ یہ ایپیڈرمس یا برادما ہے، برادما اندر کی جانب اس طرح سے مڑا ہوا ہے دونوں طرف سے، اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں دہن۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر دہن اندر کی جانب دھسے ہوئے دہن پائے جاتے ہیں۔ اینجیوسپرمک پودوں میں عام طور پر دہن دن کے وقت کھلے رہتے ہیں اور رات کے وقت بند ہو جاتے ہیں۔ اس قسم کے دہن کو فوٹو ایکٹیو اسٹوماٹا کہتے ہیں۔ لیکن خشک حالات میں رہنے والے پودے یا زیروفائٹس میں دہن دن کے وقت بند رہتے ہیں اور رات کو کھلے ہوتے ہیں، ایسے دہن کو سکوٹو ایکٹیو اسٹوماٹا کہتے ہیں۔ دو بیج پتیا پودوں میں دہن میں دو گردہ نما یا سیم کے بیج کے شکل کے خلیے پائے جاتے ہیں، ان خلیوں کو گارڈ سیلز یا محافظ خلیے کہتے ہیں۔ جیسا یہ آپ سلائڈ دیکھ رہے ہیں، یہ جو ایک خلیہ ہے اور یہ دوسرا خلیہ ہے، ان دونوں خلیوں کو گارڈ سیلز یا محافظ خلیے کہتے ہیں۔ گارڈ سیلز کے اطراف دو طرح کی دیواریں پائی جاتی ہیں، یہ بیرونی دیوار جس کو آؤٹر وال بھی کہتے ہیں، یہ پتلی اور لچکدار ہوتی ہے، لیکن گارڈ سیل کے اندرونی جانب پائے جانے والی دیوار یہ دبیز اور غیر لچکدار ہوتی ہے، اس دیوار کو انر وال بھی کہتے ہیں۔ ہر گارڈ سیل یا ہر محافظ خلیے میں ایک مرکزہ اور کثیر تعداد میں سب زینے پائے جاتے ہیں، یعنی کثیر تعداد میں کلوروپلاسٹ کی موجودگی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ محافظ خلیے میں خلوی مایا بھی پایا جاتا ہے۔ ان محافظ خلیوں کے اطراف پائے جانے والے برادمی خلیوں کو معاون خلیے کہتے ہیں۔ جیسا کہ یہ ہم آپ کو دوسرا سلائیڈ بتا رہے ہیں، یہ گارڈ سیلز یا محافظ خلیے ہیں، اور ان محافظ خلیوں کے اطراف پائے جانے والے ان خلیوں کو معاون خلیے یا ایکسیسری سیلز یا سبسیڈری سیلز کہتے ہیں۔ اس طرح سے اس سلائیڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ محافظ خلیوں کے اطراف معاون خلیے ہیں، یہ پہلا معاون خلیہ اور یہ دوسرا اور یہ تیسرا۔ معاون خلیے محافظ خلیوں سے مختلف ہوتے ہیں شکل کے اعتبار سے، اور ساتھ ساتھ
کلوروپلاسٹ یا سبزینے کی موجودگی کے بنیاد پر بھی جو ہے معاون خلیے محافظ خلیوں سے الگ ہوتے ہیں۔ دہن کے مختلف اقسام کے مطالعہ کے لیے پتے ایک اچھے مواد ہیں، جیسے کہ میں آج آپ کو بتلانے کے لیے چار مختلف قسم کے پتوں کو لایا ہوں۔ پہلا ٹرائیڈیکس کا پتا ہے، دوسرا ہائبسکس کا پتا، تیسرا اگزورا پودے کا پتا، اور چوتھا اوسیمم یا تلسی کے پودے کا پتا ہے۔ اور اس طرح سے اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ان چاروں مختلف قسم کے پتوں میں کس طرح کے دہن پائے جاتے ہیں۔ دہن کے مطالعہ کے لیے یا دہن کس قسم کا دہن پتوں میں پایا جاتا ہے یہ جاننے کے لیے برادمی پوست یا ایپیڈرمل پیلنگ کی مدد سے کی جاتی ہے۔ آئیے اب ہم آپ کو ایپیڈرمل پیلنگ یا برادمی پوست کی تیاری کس طرح سے کی جاتی ہے بتلاؤں گا۔ برادمی پوست یا ایپیڈرمل پیلنگ کے لیے پہلے ایک پتے کو لیا جاتا ہے اور پتے کو دونوں انگلیوں کے درمیان اس طرح سے پکڑنا چاہیے کہ پتے کا نچلا حصہ یا ابیکسیل سرفیس اپنے چہرے کی جانب ہو، اور دھیرے سے پتے کو ایپیڈرمل پیلنگ یا برادمی پوست نکالنے کے لیے اس طرح سے توڑ دیں۔ دیکھیے اس طرح کرنے سے نیچے کی برادمی پوست یا ایپیڈرمل پیلنگ نکل چکی ہے۔ اب اس ایپیڈرمل پیلنگ کو کینچی کی مدد سے الگ کر لیں۔ اس طرح سے کئی سارے ایپیڈرمل پیلنگز ہم نکال سکتے ہیں۔ یہاں پر بھی ایک پتلی سی ایپیڈرمل پیلنگ یا برادمی پوست حاصل ہوئی ہے، اور اس کو سیزر کی مدد سے، کینچی کی مدد سے الگ کر لیں۔ اس طرح سے اس کو ایک پیٹری ڈش میں لیں اب ایک واچ گلاس میں ایک بوند سیفرنن کو لیا جاتا ہے، اور اس برادمی پوست کو یا ایپیڈرمل پیلنگ کو دھیرے سے برش کی مدد سے اس سیفرنن رنگ میں منتقل کر لینا چاہیے۔ اس طرح سے اس ایپیڈرمل پیلنگ کو ایک منٹ تک اس رنگ میں رنگنے کے لیے رکھا جاتا ہے۔ اس طرح سے ایک منٹ رکھنے کے بعد اس برادمی پوست کو پھر سے پانی سے صاف کر لیا جاتا ہے، تاکہ زائد رنگ اگر جذب کیا ہو تو زائد رنگ اس پانی سے نکل جائے گا۔
अब आप एक साफ सुथरा स्लाइड लीजिए और इस स्लाइड के दरमियान एक बूंद ग्लिसरीन को डालें। इस तरह से ग्लिसरीन डालने के बाद बरादमी पोस्ट, तैयार शुदा बरादमी पोस्ट या एपिडर्मल पीलिंग को इस ग्लिसरीन में ब्रश की मदद से धीरे से मुंतकिल कर लेना चाहिए। इस तरह से धीरे से मुंतकिल कर चुके हैं। कवर स्लिप की मदद से जब कवर करते वक्त या ढकते वक्त नीडल का इस्तेमाल करना चाहिए और धीरे से नीडल को आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से हटाते जाइए कि इसमें एयर बबल ना आए। अब इस तरह से ये स्लाइड दहन की मुशाहदा के लिए तैयार हो चुका है। अब हमें खुरदबीन में रख कर देखना चाहिए कि इसमें किस तरह के दहन पाए जाते हैं। जी हाँ, मैंने आपको पहले भी बतला चुका हूँ, आज मैंने चार मुख्तलिफ किस्म के पत्तों को लाया था और इन चारों पत्तों के बरादमी पोस्ट की तैयारी की और इसमें दहन का मुतालिया किया। तो पहले ट्राइडैक्स पौधे में दहन इस तरह से नज़र आए। ट्राइडैक्स के पौधे के पत्तों में इस गार्ड सेल्स के अतराफ दो से जायद मावीन खलिये पाए जाते हैं। इस तरह से जब गार्ड सेल्स के अतराफ या मुहाफिज खलिये के अतराफ दो से जायद मावीन खलिये होते हैं, इस किस्म के दहन को एनामोसाइटिक स्टोमेटा कहते हैं। बेहतरीन मिसाल हमने जो करे हैं वो ट्राइडैक्स पौधे की है। दूसरा स्लाइड जो तैयार कर चुके थे, उस स्लाइड में देखने के बाद पता चला कि दहन के अतराफ यानी इस गार्ड सेल के अतराफ तीन मावीन खलिये पाए जाते हैं। इन तीन मावीन खलियों में दो मावीन खलिये एक जिसामत के होते हैं और तीसरा मावीन खलिया बड़े जिसामत का या छोटी जिसामत का होता है। तो इस तरह से गार्ड सेल या मुहाफिज खलियों के अतराफ जब तीन मावीन खलिये पाए जाते हैं तो इस किस्म के दहन को एनिसोसाइटिक स्टोमेटा कहते हैं। और एनिसोसाइटिक स्टोमेटा अब हम हाइबिस्कस के पत्तों में देख चुके हैं। तीसरा पत्ता मैंने एक्जोरा का लाया था और एक्जोरा पत्ते के बरादमी पोस्ट या पीलिंग्स में हम जब मुशाहदा करें तो हमें इस तरह के दहन मिले हैं। गार्ड सेल्स के अतराफ सिर्फ दो मावीन खलिये मौजूद हैं, यानी गार्ड सेल्स के या मुहाफिज खलियों के साथ साथ दो सब्सिडरी सेल्स या मावीन खलिये पैरेलल डायरेक्शन में या मुतवाजी पाए जाते हैं। ऐसे दहन को पैरासाइटिक दहन या पैरासाइटिक स्टोमेटा कहते हैं। और चौथा दहन का मुताला के लिए मैंने ऑसिमम पौधे का पत्ता लाया था और जब ऑसिमम पत्ते के बरादमी पोस्ट में देखा गया तो हमें पता चला कि गार्ड सेल के अतराफ दो खलिये यानी दो मावीन खलिये पाए जाते हैं और ये गार्ड सेल के ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। इस तरह के दहन को डायासाइटिक स्टोमेटा कहते हैं। इस तरह से आप आज चार मुख्तलिफ किस्म के दहन के बारे में सुन चुके हैं। पहला एनामोसाइटिक, दूसरा एनिसोसाइटिक, तीसरा पैरासाइटिक और चौथा डायासाइटिक स्टोमेटा।
मैं फिर से आपको दोहराना चाहता हूँ, एनामोसाइटिक स्टोमेटा या एनामोसाइटिक दहन में गार्ड सेल के अतराफ दो से जायद मावीन खलिये पाए जाते हैं, लेकिन अनिसोसाइटिक दहन में गार्ड सेल के अतराफ सिर्फ तीन मावीन खलिये पाए जाते हैं, जिनमें से दो मावीन खलिये एक ही जिसामत के होते हैं और तीसरा मावीन खलिया बड़ी जिसामत का या छोटी जिसामत का होता है। और तीसरा पैरासाइटिक स्टोमाटा में गार्ड सेल या मुहाफिज खलिये के अतराफ सिर्फ दो मावीन खलिये पाए जाते हैं और ये दोनों मावीन खलिये गार्ड सेल के मुतवाजी पाए जाते हैं। और चौथा डायासाइटिक स्टोमाटा, इस स्टोमाटा या इस किस्म में गार्ड सेल के अतराफ सिर्फ दो मावीन खलिये पाए जाते हैं, लेकिन ये दोनों मावीन खलिये गार्ड सेल के या मुहाफिज खलिये के अपोजिट डायरेक्शन में पाए जाते हैं। इस तरह से आप आज के इस अमली क्लास में मुख्तलिफ किस्म के दहन के बारे में सुन चुके हैं और साथ साथ बरादमा पोस्ट की तैयारी किस तरह से की जाती है इस पर भी मैंने रोशनी डाली। मज़ीद मालूमात के लिए आप यूनिवर्सिटी से मुहैया करदा सिम का मुताला करें या इस पते पर आप राबता कायम कर सकते हैं। डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, गच्ची बावली, हैदराबाद। ईमेल का पता नोट कीजिए, MAQBOOL मकबूल MANUU@yahoo.com। अगले प्रोग्राम तक मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। Thank you.